हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 6 के कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको बताने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखे में दिया हुआ है, रोकड़ बही में लिखे जाते हैं, रोकड़ बही में लिखे जाते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आएगा, केवल नगद सौदे। याद रखना ये जो अध्याय 6 है ना, इसमें चार टाइप है, कौन कौन सा टाइप, एक तो साधारण बही है, दूसरा है द्विस्तंभी, रोकड़ बही है ना द्विस्तंभी है, और एक है त्रिस्तंभी है, और एक क्या होता है लघु स्तंभी। ठीक है, तो चार टाइप है और इन चारों टाइप में सिर्फ और सिर्फ नगद सौदे की बात हुआ है, जैसे कि आप चेक से पैसा दे रहे हो, ड्राफ्ट से दे रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो, है ना, ये सब के सब नगद है। ठीक है, आगे देखो दूसरा है, रोकड़ बही में शेष निकलता है, रोकड़ बही में शेष निकलता है, तो शेष जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, एक तो होता है नामे और एक होता है जमा, है ना, तो जमा का मतलब क्रेडिट और नामे का मतलब डेबिट, तो डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट से आप क्या करोगे, पैसा निकालोगे, तो पैसा निकालने का काम क्या होता है, डेबिट वाला करता है। तो याद रखना दोनों नाम, दोनों आपको याद होना चाहिए, एक हिंदी नाम और एक अंग्रेजी नाम। क्या है, अगर हिंदी नाम दिया है तो देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे आप, नामे का मतलब क्या होता है डेबिट और जमा का मतलब क्या होता है क्रेडिट, तो सिर्फ नामे जो है वो पैसा निकालने का काम करता है और क्रेडिट क्या करता है, जमा करने का काम करता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आप। आगे देखो, फुटकर व्ययों का लेखा करने हेतु बनाई जाने वाली रोकड़ बही कहलाती है, उत्तर आपको लेना है फुटकर व्यय मतलब छोटे छोटे, जैसे चाय नाश्ता इसके लिए जो पैसा निकलता है ना, तो ये होता है लघु रोकड़ बही। चार टाइप के होते हैं मैंने बताया था, यहाँ पे देखो साधारण रोकड़ त्रिस्तंभी दिया हुआ है ना, साधारण में क्या होता है, साधारण में एक मुख्य खाना होता है, मुख्य खाना मतलब जो पैसे का होता है, जैसे कि रोकड़ रोकड़ या अमाउंट आप उसको कह सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर द्विस्तंभी होता है तो रोकड़ के साथ जुड़ जाता है बैंक, और त्रिस्तंभी होता है तो रोकड़ और बैंक इसके साथ क्या जुड़ जाता है, बट्टा जुड़ जाता है, याद रखना। ठीक है, यही खाने हैं इनके। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, रोकड़ बही के रोकड़ और बैंक स्तंभों की राशि को एक साथ विविध पक्ष में प्रभावित करने वाले व्यवहारों को दर्ज करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि कहलाती है, तो उत्तर आपको लेना है प्रति प्रविष्टि। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो, पहला प्रश्न क्या है, रोकड़ बही में केवल खाली स्थान व्यवहारों का लेखा नगद, है ना, ये तो आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था नगद, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इस पहले वाले का नगद। दूसरा देखो, रोकड़ बही में रोकड़ बही मुख्य बही एवं खालिस्तान बही भी है, उत्तर क्या लोगे, उत्तर सहायक ले लोगे। ठीक है, दूसरा का सहायक, सहायक बही भी है ये। तीसरा, बैंक में राशि जमा करने पर रोकड़ बही में खालिस्तान प्रविष्टि की जाती, प्रति प्रविष्टि। ठीक है, अभी हमने देखा प्रति प्रविष्टि, फुटकर रोकड़िए को अग्रिम रूप से भुगतान करना क्या कहलाता है, फ्लोट कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के प्रश्न में आते रहता है, इसलिए इनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए, देखो पहला प्रश्न क्या है, बैंक से राशि आहरण, ठीक है, बैंक से राशि आहरण की बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा, सही जोड़ी मिलाओ में, भाई आहरण करना मतलब प्रति प्रविष्टि करना। ठीक है, फुटकर के लिए रोकड़ तो आपको पता होगा लघु काम वाला होता है ना, फुटकर मतलब चाय नाश्ता, रोकड़ वही का शेष, तो रोकड़ बही के जो शेष है वो नामे में लिखा जाता है, याद है ना आपको, नामे शेष अगले महीने का नेक्स्ट तारीख को लिखा जाता है। ठीक है, जो महीना चल रहा है उसके एक तारीख को लिखा जाता है, तो ये कहाँ पे जाएगा, नामे में जाएगा। ठीक है, डेबिट के साइड में, बैंक अधिवर्ष जमा होता है, बैंक अधिवर्ष का मतलब जमा होना। ठीक है, बैंक अधिवर्ष वाला जितना भी टॉपिक हमने देखा है उसमें सब के सब में क्रेडिट पक्ष में ही पैसे को लिखे हैं, जहाँ पर बैंक अधिवर्ष शब्द उपयोग हुआ है, तो ये यहीं पर जाएगा। इसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए कह रहा है, रोकड़ एवं बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने वाली रोकड़ बही को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे बैंक और देखो रोकड़ दो दो पक्ष है ना, तो आपको पता होना चाहिए दो पक्ष मतलब द्विस्तंभी। ठीक है, तो पहला उत्तर क्या होगा, द्विस्तंभी हो जाएगा। इसके बाद दैनिक खर्चों का हिसाब किस रोकड़ बही में किया जाता है, ये भी आपको पता चल गया होगा, लघु मतलब फुटकर रोकड़ बही उसी को कहते हैं। ठीक है, तीसरा है, किसी एक ऐसे व्यवहारों को लिखिए जिनकी रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है, बैंक में जमा करना। ठीक है, बैंक में जमा होता है तब, समस्त नगद भुगतान का लेखा रोकड़ बही के किस पक्ष में किया जाता है, तो जमा। ठीक है, जितने भी जमा वाला है वो। इसके बाद देखो सत्य असत्य, सत्य असत्य में पहला प्रश्न देखो, रोकड़ बही केवल सहायक बही है,
ये असत्य है, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, दो चीज़ है, क्या है, मुख्य बही भी है और सहायक भी है, तो दोनों है, इसलिए ये असत्य हो गया। चेक प्राप्त होने पर रोकड़ बही के दोनों पक्ष में लेखा करते हैं, क्या ये सत्य है, ये भी असत्य है, ठीक है। इसके बाद देखो, रोकड़ बही का बाकी सदैव नामे होता है, ये सत्य है। रोकड़ बही का प्रतिदिन की बाकी का मिलान तिजोरी से करते हैं, तो ये भी सत्य है। चलो अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर में देखो, पहला प्रश्न क्या है, रोकड़ बही क्या है। रोकड़ बही एक विशेष जर्नल है जिसमें समस्त नगद एवं बैंक लेन देन सीधे ही मूल प्रपत्रों के आधार पर लिखे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, लघु रोकड़ बही किसे कहते हैं। छोटे छोटे व्ययों का लेखांकन करने के लिए जो बही बनाई जाती है उसे लघु रोकड़ बही कहते हैं। तीसरा है, बैंक अधिवर्ष किसे कहते हैं। बैंक में जमा की गई राशि की तुलना में बैंक से निकाली गई राशि के अधिक को बैंक अधिवर्ष कहा जाता है। प्रति प्रविष्टि किसे कहते हैं। प्रति प्रविष्टि उन्हें कहते हैं जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखी जाती है। यह बैंक में रुपया जमा करने या निकालने से बनाई जाती है। वाहक चेक किसे कहते हैं। तो वाहक चेक का मतलब होता है ऐसे चेक का भुगतान या तो उस व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम चेक पर लिखा गया, या चेक धारण को अर्थात जिसके पास चेक गया। आदेशी चेक किसे कहते हैं। यदि चेक पर लिखे हुए धारक शब्द को काट दिया जाए तो वह चेक आदेशी चेक बन जाता है। ऐसी दशा में बैंक उस व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसका नाम चेक पर लिखा जाता है या लिखा गया है। सातवां, रोकड़ बही हमेशा डेबिट शेष क्यों दिखाता है। क्योंकि कोई भी व्यवसायी उस राशि से अधिक का भुगतान नहीं कर सकता जितनी राशि उसके पास मौजूद है। रोकड़ बही के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। तो चार जो नाम है उन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। साधारण, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी, खुरदुरा कह रहा है ये वही है, लघु है। इसके बाद देखो, प्रति प्रविष्टि के उदाहरण, बैंक में कार्यालय की राशि जमा करना, बैंक से कार्यालय उपयोग हेतु धनराशि निकालना, ये होता है प्रति प्रविष्टि के उदाहरण। दसवां प्रश्न है, बैंक में नगद धन राशि या चेक जमा करने के लिए कौन सा फार्म भरना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं जमा पर्ची, ठीक है, जमा पर्ची। तो इस तरीके से इसमें जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बड़े बड़े प्रश्न हैं जो है साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, है ना, इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है उसको मैंने एकदम बारीकी से बताया। बस आपको इतना ध्यान देना है कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है ना। जब आप किसी को पैसा देते हो तो क्या होगा, इस अध्याय 6 में ध्यान देना है ना। जब भी आप इससे संबंधित प्रश्नों को बनाओगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, क्रियात्मक प्रश्न बहुत सारे हैं, तो आपको सबको देखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया सिर्फ आप उनको ध्यान से देखोगे ना, तो जितने भी क्रियात्मक प्रश्न हैं ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा, बहुत सरल है इसमें प्रश्न जो है वो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप किसी को पैसे देते हो वो क्रेडिट के पक्ष में लिखा जाएगा। अगर आपको कोई पैसा देता है, ठीक है, मतलब आपके पास पैसा आता है नगद, तो वो डेबिट के पक्ष में लिखा जाता है। अब इसमें बैंक वाला है तो अगर चेक के थ्रू कोई पैसा दे रहा है तो बैंक के साइड में जाएगा, ठीक है। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो किस साइड में जाएगा, आपके साइड में जाएगा और वो बैंक के साइड में चला जाएगा ना, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद डायरेक्ट अध्याय 7 को शुरू करने वाले हैं।